एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन को ग्लोइंग सॉफ्ट स्मूथ कैसे बनाएंगे। ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत सारी टिप्स बताने वाली हूँ फॉर स्क्रब के साथ आप कैसे अपने स्किन को ग्लो करा सकते हो, अपने स्किन के पिगमेंटेशन झाइयाँ और अपने पिंपल्स को रिमूव कर सकते हो हमेशा के लिए। तो वीडियो होने वाली काफी ज्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और ये जो मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है ये टॉप सीक्रेट है, और ये प्रोडक्ट मैंने बहुत ही कम प्राइस में ऑनलाइन ऑर्डर किया था और मैंने एक यूज में ही मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसका भी शेयर कर दूंगी वीडियो, तो उससे पहले आप ये वीडियो देख लो स्क्रब को कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ, फेशियल का सारा स्टेप मैं डे बाय डे अपलोड कर रही हूँ। इससे पहले मैंने क्लींजिंग को कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या सही तरीका है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या उसमें मिक्स करके अप्लाई करोगे तो कस्टमर को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा या आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हो। आज का जो है सेकेंड स्टेप स्क्रब, आप इससे पहले ब्लीच कर सकते हो, मैं ब्लीच को स्किप कर रही हूँ। अगर आपकी फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको ब्लीच इग्नोर करना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा ब्लीच की जरूरत है तो आप कम से कम 6 महीने का गैप दें। और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ब्लीच अप्लाई करते टाइम कुछ खास बातों का ध्यान रखिए। ब्लीच के ऊपर डिटेल वीडियो जा चुकी है, नेक्स्ट टाइम फिर से लेके आ जाऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, न्यू आइडियाज और न्यू स्किन प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके पता चलते हैं और यूज करने के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग काम करते रहते हैं डे बाय डे, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है, ये नुकसान कर रहा है। जो हमने पहले बेस्ट किया है उससे भी बेस्ट कुछ पता चलता है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसी तरह की वीडियोज हमारे चैनल पर डे बाय डे मिलते रहती है, तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन को ब्लीच अप्लाई करते टाइम एक्टिवेटर डालने का खास तरीका पता होना चाहिए जिस पर डिटेल वीडियो जा चुकी है, तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो एंड नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छी टिप्स के साथ लेकर आऊंगी वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है स्क्रब को कैसे अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, कितना क्वांटिटी में अप्लाई करना चाहिए, कैसे मसाज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी चाहिए जिससे कि हमारा जो स्किन है डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए और स्किन अच्छे से ग्लो कर पाए। तो हमारा जो स्किन है उस पर डेली डेड स्किन बनते रहते हैं तो उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, लेकिन कौन से स्किन पे कब कैसे क्या यूज करना है वो बता रही हूँ। तो जैसे कि मेरी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन वालों को स्क्रब हफ्ते में 2 बार यूज करना है, ओके। नॉर्मल वाले 3 बार यूज कर सकते हैं एंड जिनकी ऑयली है वो आप डेली भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑयली स्किन पे जो डेड स्किन होती है वो ज़्यादा निकलती है क्योंकि उनको ऑयल की प्रॉब्लम होती है। ऑयल हमारे स्किन पे डर्ट और गंदगी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा खींचता है, इसलिए आप ऑयली स्किन पे स्क्रब ज़्यादा कीजिए। अगर आप ऑयली स्किन पे स्क्रब ज़्यादा नहीं करते हो तो आपकी डेड स्किन नहीं निकलेगी जिसकी वजह से आपकी स्किन पे पिंपल्स आने लग जाते हैं, लेकिन ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन पे ये चीज़ें बहुत कम होती हैं पिंपल्स की प्रॉब्लम। तो ऑयली स्किन वाला आप चाहो तो डेली भी स्क्रब कर सकते हो, चाहो तो एक दिन छोड़ के एक दिन यूज कर सकते हो। नॉर्मल स्किन वाले 3 दिन यूज करेंगे एंड ड्राई स्किन वाले हफ्ते में 2 दिन स्क्रब करना ही करना है। आप ये मत सोचो कि आपकी ड्राई स्किन है तो आपको स्क्रब की क्या जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि ड्राई स्किन पे भी हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन वाला मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, वो बहुत ऑयली होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन पे बहुत डर्ट वगैरह इकट्ठा होता है। तो ड्राई स्किन वालों को भी स्क्रब करना है बट 2 दिन यूज करना है। अब कैसे अप्लाई करना है, कैसे मूवमेंट होना चाहिए, अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने स्किन को अच्छे से गुलाब जल से भिगो लेंगे, कस्टमर को भी सेम ऐसे ही करना है। क्लींजिंग मिल्क वाला कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि फेशियल स्टेप डे बाय डे जा रही है तो सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। और सब कुछ कैसे फिंगर टिप्स को करना है, कैसे मसाज करना है, सब कुछ अच्छे से जानना जरूरी है, तो वीडियो स्किप मत किया कीजिए, सारी वीडियोस देखा कीजिए। तो मैंने यहाँ पे गुलाब जल से अच्छे से भिगो लिया है स्किन को। अब क्या करेंगे, और ये जो क्रीम मैंने मंगाई है डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत बेस्ट है, तो आपको बता दूंगी कैसे है, क्या है, कितने प्राइस में मिलेगा सब कुछ। तो मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया। अब एक जरूरी चीज़ है वो है
ग्लिसरीन, आपको ग्लिसरीन अपने स्क्रब में यूज करना ही करना है। ड्राई स्किन वाले स्किप कर भी सकते हैं, तो नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले ग्लिसरीन जरूर यूज करना है, क्योंकि ये डीप क्लींजिंग होता है, आपके ओपन पोर्स के अंदर इकट्ठा हुए ऑयल को खींच के बाहर निकलता है, जिससे आपके ओपन पोर्स खुलते हैं और अच्छे से आपकी स्किन को ताजगी मिलती है और आपका स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो ग्लिसरीन यूज करना है, मेरी तो ड्राई है फिर भी मैं ग्लिसरीन स्किप नहीं करती हूँ। तो आपको क्लींजिंग में तो यूज करना ही करना है, लेकिन स्क्रब में भी यूज करना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ज्यादा आपके स्किन और बालों दोनों के लिए अच्छा है, बाल के लिए तो आप बालों में भी बाल में भी जब आप शैम्पू यूज करते हो तो ग्लिसरीन को शैम्पू में ऐड करके यूज करोगे तो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपकी स्कैल्प साफ रहेगी, तो आपको न्यू हेयर निकलने में काफी हेल्प मिलेगा। तो इस तरीके से ग्लिसरीन लगा लिया। ओके, अब आपको स्क्रब यूज करना है। स्क्रब यहाँ पे मैंने लिया है अरोमा का हनी एंड आलमंड मसाज, सॉरी ये मैंने मसाज क्रीम उठा लिया, अरोमा का फ्रूट स्क्रब है, फेशियल स्क्रब, तो ये यूज करेंगे हम लोग अभी। स्क्रब करते टाइम अगर आपकी स्किन ऑयली सॉरी ड्राई है तो आपको थोड़ा सा उसमें मसाज क्रीम यूज करना है, जो कि मैंने अभी दिखाया, अरोमा का हनी एंड आलमंड मसाज क्रीम इम्प्रूव स्किन कॉम्प्लिकेशन। तो मसाज क्रीम इस तरीके से मिक्स करना है, देखिए ये मसाज क्रीम है, ये स्क्रब है। ओके, तो इन दोनों को मिक्स करके आप अपने स्क्रब को स्क्रब करेंगे ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन पे मसाज क्रीम नहीं मिक्स करना है। तो इन दोनों को मिक्स कर लिया मैंने, बहुत सारी चीजें मेरे वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। देखिए ड्राई स्किन है तो आपकी जो फिंगर है उसको थोड़ा लाइटली यूज करोगे, जैसे कि बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है। ऑयली स्किन पे थोड़ा सा हार्ड कर सकते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि डेड स्किन ऑयली स्किन पे ड्राई स्किन के मुकाबले ज्यादा इकट्ठी होती है। तो हमारा फेस हमेशा दिखता रहता है लेकिन हम अपने गर्दन को भूल जाते हैं, लेकिन आपको गर्दन पे भी यूज करना है, क्योंकि जितना डर्ट और मिट्टी हमारे फेस पे यूज इकट्ठा होता है उतना ही हमारे गर्दन पे भी इकट्ठा होता है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से एवरी यूथ एंड अरोमा का जो स्क्रब है उसमें जो दाने होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन छिल भी सकती है। तो ध्यान रखिए ज़्यादा जोर से भी नहीं करना है और ज़्यादा लाइट हाथों से भी नहीं करना है, और ड्राई स्किन पे तो लाइट हाथों से ही करना है, बट ऑयली स्किन पे थोड़ा सा जोर से करना होता है, जिससे कि उनकी जो पिंपल्स वगैरह होती हैं वो रिमूव हो जाए आसानी से। तो स्क्रब के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए फिंगर को कैसे अप्लाई करना है, कस्टमर पे आप यूज कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से यूज करोगे, फोरहेड पे, फोरहेड के बाद हम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से यूज करना है, कस्टमर पे भी जैसे मैं बता रही हूँ। स्क्रब करते टाइम आईज के ऊपर छोड़ना है, आईज के ऊपर क्यों छोड़ना है, क्योंकि आईज के ऊपर हमारी स्किन बहुत पतली होती है और ये नुकसान कर सकता है, इसलिए आईज पे आपको स्क्रब नहीं करना है, आईज के नीचे करेंगे, नोज पे, इस तरीके से कस्टमर पे भी करना है। गालों पे स्क्रब यूज करते टाइम आपको फिंगर टिप्स का यूज करना है, हथेलियों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी हथेली थोड़ा हार्ड होती है, जिससे हम लोग अगर मसाज करें तो अच्छा है, क्योंकि मसाज क्रीम को अपने स्किन में अब्जॉर्ब कराना होता है, लेकिन स्क्रब को आपको सिर्फ डेड स्किन को निकालना है, तो हल्के हाथों का यूज करना है। अगर आप हथेली का यूज करेंगे तो आपका स्किन छिल सकता है, इसलिए आपको हल्के हाथों से बस फिंगर टिप्स से यूज करना है। फोरहेड पे आपको कुछ इस तरीके से यूज करना है। अपर लिप्स पे फेस का कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, सारी जगह अच्छे से मसाज करना। अगर आपकी क्रीम सूखने लग जाए आप थोड़ा सा पानी ले सकते हो, ये मसाज करते टाइम आप आरो का पानी लीजिए, फिल्टर पानी लीजिए, या फिर आप गुलाब जल लीजिए अगर आप चाहते हो कि आपको ग्लो अच्छा मिले। तो फेसियल स्क्रब के बारे में सब कुछ पता हो गया, आयुर क्लींजिंग मिल्क के बारे में मैंने बताया था इससे पहले, कैसे है क्या है सब कुछ। हमारी अक्सर डेड स्किन जो होती है या फिर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड जो नोक के नोज के आसपास ही इकट्ठी होती है, ऊपर हो जाता है, कई लोगों को यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, मेरे तो नहीं है लेकिन कई लोगों को होता है, यहाँ पे होता है, आपने देखा होगा ब्लैक हेयर की तरह यहाँ पे दिखते होंगे, तो यहाँ पे नोज पे आपको थोड़ा ज्यादा यूज करना है। तो इसी तरीके से स्क्रब को कम से कम 5 से 10 मिनट तक
करना है। तो मैं अगर पूरा दिखाऊंगी तो आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको इसी तरीके से पूरे फेस को मसाज करना है। तो मैं मसाज करके दिखाती हूँ। मैं अपने लिप्स पे भी कर रही हूँ, क्योंकि कई बार हमारे लिप्स पे भी डेड स्किन जमा हो जाती है, जिससे हमारी लिप्स ब्लैक दिखने लगती है। खुद से कर रहे हो तो फॉरहेड पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो। मैंने सोचा कि यहाँ पे वीडियो स्किप कर दी जाए, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो छूट जाएंगी, तो बता रहे हैं तो पूरा वीडियो देखना चाहिए। पूरे गर्दन पे अप्लाई करना चाहिए, बट मैं पूरे गर्दन पे अभी नहीं कर रही हूँ, जितना पार्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ और मेरा ड्रेस गंदा हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेम आप कस्टमर पे कर सकते हो, अगर आप सीख रहे हो तो। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं। तो ये मैंने फेस को साफ करने के लिए फिल्टर पानी लिया था, और फेस काफी ज्यादा क्लीन दिख रहा है, जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा। इसके बाद आप अपना कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो भी आप अप्लाई करते हो वो अप्लाई कर लो, या फिर फेशियल स्टेप है ये, तो इसके बाद आप यूज करोगे मसाज क्रीम। मसाज पूरे स्टेप एंड प्रेशर पॉइंट के साथ डिटेल वीडियो बताई हुई है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी लेके आ जाऊंगी। अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप बता ही रही हूँ, तो कल के वीडियो में मैं मसाज बता दूंगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिनको भी पार्लर का काम सीखना है, जानना है, इंटरेस्टेड है, तो उनको मेरी वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि वो बहुत सारी जानकारियों के साथ एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिल जाए। बाय बाय।